शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर पाया जाने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी है। यह एटलस पर्वत के दक्षिण में ऊपरी सेनेगल तथा नाइगा से लेकर सूडान तथा मध्य इथियोपिया तक पाया जाता है। इसकी औसत लंबाई 2 से 2.2 मीटर तक होती है। लगभग 156 किलो वजनी शुतुरमुर्ग में उसके पंखों का वजन मात्र 2 किलो के आसपास होता है। दक्षिणी अफ्रीका के खुले मैदानों में जेब्रा के साथ में शुतुरमुर्ग घूमते रहते हैं। पंख छोटे होने के कारण यह उड़ नहीं सकता, परंतु अपने दो बड़े मजबूत पैरों से यह 25 मील प्रति की रफ्तार से दौड़ता है। इसकी नजर बहुत तेज होती है तथा यह अपने शत्रु को 10 किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है तथा भागकर अपनी सुरक्षा का प्रबंध करता है। खतरे के समय यह अपने पांवों से वार करके शत्रु की अंतों को पेट से बाहर निकाल लेता है, जैसे चाकू से किया गया कृत्य हो। नर का अगला भाग काला होता है, परंतु पंखों का पिछला भाग सफेद होता है। शुतुरमुर्ग हर 8 महीने के बाद पंखों को गिरा देता है। मादा का रंग मटमैला होता है। दिन भर में एक शुतुरमुर्ग 10 किलो चारे का भोजन करता है। चारे में वनस्पति, घास फूस, फल फूल तथा अनाज इसका मुख्य भोजन है। यह इस भोजन के साथ छोटे कंकड़ पत्थर भी निगल लेता है। यह उसके पेट में चारे की पिसाई में मदद करते हैं। मादा शुतुरमुर्ग के अंडों का रंग सफेद तथा व्यास 15 सेमी होता है। इन अंडों का वजन 1.360 किलोग्राम होता है। एक नर शुतुरमुर्ग कई मादा शुतुरमुर्ग का स्वामी होता है तथा इसके एक गड्ढे में बने घोंसले में लगभग 15 अंडे होते हैं, जो एक ही नर की कई मादाओं द्वारा दिए जाते हैं। नर की सभी मादाएं एक ही घोंसले में अंडे देती हैं। अंडों से बच्चे निकलने में 42 दिन लगते हैं।